भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो ईद है ये एक बहुत बड़ी ईद मानी जाती है, क्योंकि एक माह रोज़ा रखने के बाद जिसमें हम इबादत करते हैं, अपने रोज़े रखते हैं, दुआ करते हैं इस मुल्क के लिए, हमारा मुल्क ठीक रहे, हमारा इलाका ठीक रहे। मैं समझता हूँ इस ईद के ऊपर जो भी दुआ कबूल की जाती है वो कबूल होती है, और मैं अपनी ओर से सभी जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरा ये जो त्यौहार है, हमारा एक विरसा है पुंछ का, हम सभी लोग इसको मिलजुल कर इसको मनाते हैं, और मैं ये भगवान ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूँगा ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ लाए, ये जो पुराना बीमारी है इससे हमें दूर भगाए। हम सब ने मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं, और इस कोरोना से बचने के लिए भी हमने दुआ करनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को दूरी, दो गज की दूरी बनाकर इस ईद को मनाना है, ताकि ये जो बीमारी है ये दूर हो सके, और अपनी ओर से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहिए। मैं अपनी तरफ से सारे हिंदुस्तान निवासी को अपने दिल की गहराइयों से ईद मुबारक देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। इस साल एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली है, तो पूरी दुनिया को हलाके रख दिया है कि अल्लाह की शान क्या है। किसी मुल्क, किसी कौम, किसी तबके को, किसी खिते को उसने नहीं छोड़ा। सारे के सारे लोग, हर मज़हब के मानने वाले, हर मुल्क के रहने वाले इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और उन्होंने अल्लाह की शान को पहचाना है कि अल्लाह चाहे तो एक छोटे से ज़र्रे से पूरी दुनिया को हिला देता है। जो बड़े बड़े मुल्क दावे करते थे कि हमारे पास एटमी बम है, ये है, वो है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, अल्लाह की शान के सामने वो कुछ भी नहीं कर सके, बेबस हो। सारी दुनिया दुखी है, दुनिया में हज़ारों लोग की वफात हुई है, मर चुके हैं, दुनिया से गुजर गए हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बीमार हैं। तो ये जो ईद है आम नॉर्मल ईद की तरह नहीं होगी, हमें खामोशी से ही ईद मनानी है, ना किसी को गले लगना है, ना हाथ मिलाना है, ना बहुत सारे मजमे इकट्ठे होने, अपने अपने घरों में ही अल्लाह को याद करना है, और दो दो चार चार आदमी मिलके ही ईद की नमाज पढ़ेंगे, फर्ज अदा करेंगे। तो मेरी तरफ से सब लोगों को, खसूसी तौर पुंछ के सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।